हेलो दोस्तों, राधे राधे। हम लोगों ने दोस्तों बरसाना नगरी में प्रवेश कर लिया है और आज की वीडियो में आपको दिखाएंगे कि बरसाना के जो अलग अलग प्लेसेस हैं, जिसका प्रिया कुंड हुआ, किस तरीके से सभी जगह को सजाया हुआ है, किस तरीके से कलरफुल लाइटें वगैरह लगाई हुई हैं, प्लस रोप वे के बारे में भी थोड़ा सा दिखाएंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार रहेगी। इसमें आपको संपूर्ण कीर्ति मंदिर का भी दृश्य आपको नाइट व्यू देखने को मिलेगा, प्लस राधा रानी का भी आपको भी संपूर्ण देखने को मिलेगा कि राधा रानी के प्रांगण महल को किस तरीके से सजाया गया है, किस तरीके से लाइटें वगैरह लगी हैं मंदिर प्रांगण में, सभी आपको। हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं आपका दोस्त विशाल स्वागत करता हूं आपके अपने चल विशाल बरसाना में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो, कल राधाष्टमी का पावन पर्व है और आज हम लोग आपको लेके आए हैं बरसाना। और आज दिखाएंगे आपको बरसाना में किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं, किस तरीके से बरसाना को सजाया हुआ है। तो ये सब आज आपकी आज की वीडियो में आप सब देखोगे और हम आपको समस्त पूरा बरसाना घुमा के दिखाएंगे, किस तरीके की हर जगह पर किस तरीके की सजावट चल रही है। और आपका कीर्ति मंदिर है, राधा रानी मंदिर है, आपका पीली वो कर रहे हैं, आपको समस्त यानी कि बरसाना की जो तीर्थ स्थान है उनको दिखाएंगे किस तरीके से सजाया हुआ है और बरसाना में और लाइटें वगैरह किस तरीके से लगाई। संपूर्ण आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों, जो भाई हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हम जरूर कर रहे हैं राधा रानी के प्रांगण में, महल में, उनकी अटारी पे। और आज दिखाएंगे आज का जो व्यू है कितना सुंदर है, सभी लोग दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। और मैं आपको बता दूँ, कल की तैयारी काफ़ी दिनों पहले से चल रही है, काफ़ी लोग हैं जो कि आज हमारे बरसाना में स्नान कर चुके हैं। और आप भी अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो बरसाना ज़रूर आएँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग आए हुए हैं, आप देख रहे हो, हम लोग पीली होकर यानी कि प्रियाकुंड पे। और यहाँ पे देख रहे हैं किस तरीके का पूरा पूरा पानी को साफ कर दिया गया है। और ये आप देख रहे हो, क्योंकि सभी लोग आएंगे यहाँ पे स्नान करने के लिए तो ये पूरा अंदर ना जाए क्योंकि काफ़ी गहरा है, इसलिए ये पूरा बंद कर दिया गया है इधर से। तो इस तरीके का लाइव व्यू आपको दिखा रहे हैं पीली होकर का, यानी कि जहाँ पर हमारे राधा रानी ने अपनी मेहंदी के हाथ धोए थे, ये वही दिव्य स्थान है। और इसका जो कलर आप देख रहे हो मेहंदी कलर का, तभी से ये पानी इस कलर दिखाई देता है। और आप देख दोस्तों, हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, आप देख रहे हो लाड़ों का द्वार बरसाना। और आप देख रहे हो काफ़ी प्रांग भक्त लोग आए हुए हैं और हमारे किशोर जी के दर्शन करके लौट रहे हैं। हम लोग चल रहे हैं अभी आपको आज की वीडियो में आपको दर्शन कराने वाले हैं। और ये आप देख रहे हो, हम लोग एंट्री कर चुके हैं श्री जी के प्रांगण महल के लिए। दोस्तों, आप देख सकते हो मारो प्यारो बरसाना। और हम लोग अभी एंट्री करेंगे सीढ़ियों के रास्ते से। और ये आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, सेवा प्रत्यादि शादी चलती रहेगी। यहाँ पे कोई फ्रूटी बांट रहा है तो कोई भंडारा चल रहा है इस तरीके की, क्योंकि कल का मैं आपको बता दूँ राधाष्टमी का पावन पर्व है। और हम लोग सीढ़ियों के रास्ते अभी आपको चलेंगे मंदिर प्रांगण से और किशोर जी के दर्शन कराएंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हो काफ़ी लोगों की भीड़ है जो कि सीढ़ियों के रास्ते से सभी हमारे किशोर जी के प्रांगण में उनकी अटारी पर जा रहे हैं। दोस्तों, ये जो देख रहे हो ये राधा रानी की सफेद छतरी है। और हम लोग अभी उनके मंदिर प्रांगण पर पहुंच चुके हैं। आप देखो किस तरीके से उनके मंदिर प्रांगण को सजाया हुआ है। अभी क्या है, आप देख रहे हो तो जैसे जैसे रात होगी उस तरीके से ये लाइटें पूरा चमकने लगेंगी। और काफ़ी भक्त ने, और देखो सिक्योरिटी का भी काफ़ी इंतजाम करेगा, क्योंकि कल का क्या है मैं आपको बता दूँ दर्शन के लिए, क्योंकि पीछे से शायद इनका जो रास्ता पीछे वाला गेट है उधर से रास्ता रहेगा, और पूरा घूम करके बरसाने की परिक्रमा कर करके हम लोगों को किशोर जी के दर्शन करने पड़ेंगे। लेकिन आज आप देख रहे हो हम लोग आपको दर्शन करा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। और आप देख रहे हो क्योंकि कल राधाष्टमी का त्यौहार है, पावन पर्व है, और आप देख रहे हो सभी भक्तगण हमारे किशोर जी के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। दोस्तों, आप देख रहे हो हम लोग प्रवेश करेंगे किशोर जी के प्रांगण में, ऊंची ऊंची अटारी पर। देख रहे हो श्री लाडली जी महाराज बरसाना। आप देखते हो काफ़ी भक्तों की भीड़ है क्योंकि हमारे किशोर जी के नाम बरसाना में उनके दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। हम भी चल रहे हैं आपको अपने चल के माध्यम से दर्शन कराएंगे।
देख सकते हो सभी लोग एक एक हमारे ज्यादा रन के प्रांगण मेल में आ गए और जैसे कि कल का राधाष्टमी का पावन पर्व है तो सभी लोग यहाँ पे आनंद लेते हुए, क्योंकि कल के दिन बहुत भीड़ होती है दोस्तों। कल ज़्यादातर लोग कोई भी दर्शन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, इसलिए सब लोग कहते हैं आज आ गए और खुशी मस्ती में घूमते हुए देख सकते हो किस तरीके से हमारे राधा रानी के प्रांगण में महल में आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि किशोर जी के धाम में वही आते हैं जिन पर कितना हमारी किशोर जी कृपा करती हैं, जिनको बुलाती हैं अपने श्री धाम बरसाना में। तो सभी लोग कहते हैं आगमन होकर के झूमते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा रस है हमारे बरसाना में किशोर जी के प्रांगण में। और इधर आप दिखाऊंगा, इधर मैं आपको एक करता हूँ, क्योंकि ये हम लोग किशोर जी के ठीक सामने हैं। आप देख सकते हो जो क्योंकि हम जो खाली स्पेस है जहाँ पे सभी लोग बैठ करके हमारे किशोर जी के कहते नाम का रट यानी कि भजन कर सकते हैं, वहाँ पे हम लोग दिखा रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी लोग हैं जो कि हमारे किशोर जी के भजन में पागल यानी कि राधे राधे रटते हुए नजर आ रहे हैं। कहते हैं दोस्तों किशोर जी की कृपा होती है वही उनके प्रांगण में उनके अटारी पर उनके महल में आते हैं। और आज हम लोग आपको अपने चैनल के माध्यम से किशोर जी के दिव्य दर्शन करा रहे हैं और भक्तों का यहाँ पे दिखा रहे हैं किस तरीके के आनंद होते हुए राधे राधे रटते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरीके का भाव यहाँ पे सभी लोग गोविंद राधे गोपाल राधे का जाप करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों आप देख सकते हो किशोर जी के महल प्रांगण को किस तरीके से लाइटों से सजा दिया गया है, और ये हम आपको दिखा रहे हैं उनकी ऊंची अटारी से नीचे का जो व्यू है आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। जैसा कि कल राधाष्टमी का पान पर्व है और आपको बता दो ये आपका बरसाना शहर, आज हमने आपको किशोर जी के जो कि कल राधाष्टमी का पावन पर्व है और उससे पहले आज हमने आपको किशोर जी के प्रांगण में गए और आपको ऊंचे अटारी पर उनके दर्शन कराए। आपने देखा था कि आपकी भक्तगण हमारे किशोर जी के जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए दो तीन दिन पहले से ही आए यहाँ पे आए हुए हैं, और कल का जो कि हमारे किशोर जी का जन्मोत्सव है तो उसका लाइव व्यू भी हम आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाएंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट में हमें जरूर बताएँ, और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।